अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत अहम बात समझाने जा रहा हूं। आपको पता है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है, ठीक है, और आज तकरीबन 6 रबीउल अव्वल नहीं, आज तकरीबन हो चुकी है 9 रबीउल अव्वल हो गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे 12 रबीउल अव्वल आती है, मुसलमान जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की आमद की खुशी में जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और मनानी भी चाहिए। जितनी ज्यादा मनाओ अच्छी बात है, मनानी चाहिए। लेकिन एक अहम बात जो है वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, तो सब बच्चे ये बात क्या करें गौर से नहीं सुन। उसमें ये है कि नंबर वन करना क्या है कि एक तो बच्चे होते हैं बड़े हमारे जो भी हैं वो नालायक पाप जो है वो लगाते हैं, हमने बंदों में क्या करते हैं नालायक पाप जो वो बना, तो अच्छी बात है, रेस्पेक्ट है, मोहब्बत का इजहार है कि आप नालायक पाप क्या है लगाते हैं। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है बच्चों, ख्याल इस बात का रखना है कि नालायक पाप जो आपने लगाया है कहीं वो मक्का और मदीना पर आने के लिए गए क्या, उसके ऊपर तो नहीं है। देखिए ना, मक्का और मदीना मोस्ट रिस्पेक्टेड है और नालायक पाक भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनसे नहीं है, कोशिश करनी है। बार बार ये भी होता है कि आजकल बनाने वाले पैसे कमाने वाले तो बड़ा कुछ कर देते हैं, नालायक पाक बनाते हैं उसके ऊपर आप सलम का नाम देख देते हैं, तो भी देते हैं। गलत बात, गलत बात बच्चों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नालायक पाक के ऊपर कोई अल्लाह और मोहम्मद का नाम नहीं होना चाहिए, और जहां पे नालायक पाक हो उससे नीचे भी अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप खुद भी ठीक करना है और होने भी नहीं देना है। जब कोई और से भाई भाई बात ये है कि मोस्ट रिस्पेक्टली आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये काम हमने नहीं करना। तो बच्चों आपको बात समझ आ रही है,